शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों नमस्कार, आज दिन है उत्तराखंड राज्य स्थापना का दिवस, बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है। इस राज्य की स्थापना के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया और कितने लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, अपने बच्चों को, भविष्य को बर्बाद कर लिया, तब जाके उत्तराखंड राज्य बना। तो यार इसकी गरिमा का और हमारे उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बचाने की मुहिम, जल जंगल जमीन को बचाने की मुहिम, इसका पूरी तरह सम्मान कीजिए। और उत्तराखंड को देवभूमि जिसे कहते हैं, आप पूरे भारत में इसको नंबर वन पे हमें राज्य के स्तर पे लेके आना है। ये वीडियो आप आगे देखिए, जो मैराथन बच्चे दौड़ रहे थे उत्तराखंड राज्य आंदोलन स्थापना दिवस के रूप में। धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अंतर्गत धन्यवाद। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष एवं इन तक के भी बहुत खास, जो भी धावक अपनी दौड़ पूरी कर रहे हैं वो अपना नाम लिखवाते रहे हैं आयोजक मंडल के पास, जो दौड़ के पूरी कर चुके हैं अपनी रेस को। पंडित जी, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस में जो ये दौड़ है, इसका क्या आज सुबह जो कार्यक्रम रहा, ये क्या है? योगराज जी मंच पे आ जाएं और आगे के कार्यक्रम की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए बताएं। और किस किस रूप में इसको लेके जाया गया? हमारे बीच में आज प्रातः काल से उत्तराखंड पुलिस के जवान सीपीयू जो है ट्रैफिक चौथा आयोजन है इनका दैनिक न्यूज से। और ये कृपया जितने भी धावक हैं वो इन कुर्सियों के पीछे जो खाली स्थान पड़ा है उधर अपना स्थान ले लें और जिनका नाम बुलाया जाएगा सब आते रहेंगे मंच पे। बच्चे कुर्सियों से जहाँ कुर्सी खाली है उनको बैठ जाएं और खड़े हो जाएं साइडों में। धावक जितने भी धावक हैं हिस्सा लिया मैं देख रहा हूँ दौड़ कर आ रहे हैं वो कृपया कुर्सियों पे बैठ जाएं पीछे। तो मेरा कहना ये है कि जो भी व्यक्ति दैनिक जितने भी लोग रुड़की वेब चैनल के उनका ये मैसेज है से दौड़ पूरी की जा रही है राज्य हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को हमें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर ये पूरे देश के लिए एक मैसेज भी है कि आप जल्दी सुबह उठें और दौड़े भागे तो स्वस्थ अगर रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा और मानसिकता भी हमारी स्वस्थ रहेगी और हम अच्छे कार्यों में अपना दिमाग लगा सकेंगे। आज जो आयोजन किया गया है इसमें जो युवा है, युवा और खासकर जो दौड़ रहा है उसको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आज की दौड़ जो है वो युवाओं के साथ 45 साल से ऊपर वालों की भी और जो बहुत अच्छी मंच पे आ जाए। उत्तराखंड राज्य स्थापना परिचित हूँ हमारे बीच में दौड़ लगाई जो बहुत ही सराहनीय काम है। मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे कार्यक्रम लगातार जो है होते रहने चाहिए उसके लिए दैनिक रुड़की को और आप सब पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारे साथ शुभारंभ प्रजापति जी, प्रजापति जी 18 वर्ष के ऊपर के आयु के जो धावक है उनको पुरस्कार देने की प्रक्रिया चालू की जा रही है। कायाकिंग होती है अंतिम से प्रथम की ओर बढ़ेंगे हम। लगातार बच्चे जो तैयारी करते हैं लेकिन आज ही जो दौड़ की गई ये पुरस्कार वितरण अंतिम से प्रथम की ओर बढ़ेंगे। क्या ले पाएगी, क्या प्रेरित कर पाएगी, मोटिवेट कर पाएगी? इसका बहुत मोटिवेट के लिए ये किया जाता है और सब हमारे सबके ध्यान रहना चाहिए कि आज के दिन स्थापना दिवस जितने भी प्रतिभाग स्थापना दिवस भी है इन्होंने किया यहाँ दौड़ में उनको यहाँ पहले पुरस्कार दिया जाएगा और जो 10 प्रथम से 10 नंबर तक के धावक है उनको बाद में यहाँ सम्मान दिया जाएगा और उनका पुरस्कार दिया जाएगा। युवा की दौड़ है तो हरिंदर जी हमारा युवा की तरह दौड़ेगा यही एक हमारे अतिथि पहुँच गए। हमारे साथ हैं हर्षप्रकाश काला जी, उत्तराखंड जो राज्य आंदोलनकारी हैं और अपने आप में दौड़ लगाई गई है और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस क्योंकि आंदोलन से बहुत जमीन से जुड़े हैं और आप लोगों की वजह से उत्तराखंड आज उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। तो आपका क्या इस पे कहना है? शिवम कुमार सर्वप्रथम आप कृपया धावक ध्यान दें जिनका नाम बुलाया जा रहा है वो मंच पे आते रहे। आज हम उत्तराखंड स्थापना के 23 वर्ष का मना रहे हैं उत्तराखंड के लिए सागर पाल बात है हरिद्वार और हम सभी को इस मंच पे आते रहे गुरुदयाल खानपुर उत्तराखंड के युवाओं को ये क्या दिलाते कपिल कश्यप संघर्षों के बाद हमारे बीच में समाज सेवी डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी संजीव पटेल आंदोलनकारी शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से मांग करते हैं उत्तराखंड राज्य संघर्ष में जितने भी आंदोलन करते हैं उन्हें सम्मान दिया जाए। उनको कृपया सभी कुर्सियों में बैठ जाए जितने मेरे साथी खड़े हैं युवा साथी खड़े हैं कृपया कुर्सियों में बैठ जाए। बताइए उत्तराखंड की
जल जंगल जमीन और जवानी को बचाने के लिए हमने ये आंदोलन किया था। सर इनके सर्टिफिकेट भी देने हैं, उस ओर ध्यान दे, इनके नाम आइडेंटिफाई कर लेना एक बार। विकास में जो है पूर्ण समर्पण की भावना से कार्य करें। रुड़की शहर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और समाज से जो मुख्य सहयोगी रहे हैं इसमें, सचिन गुप्ता जी, कृपा आपकी। शहर में बहुत सारे समाज सेवी हैं जो कुछ दिन देखे भी बहुत बड़ी